जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26th of March 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको अपलोडेड वीडियोस की सबसे पहले लिंक और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा सुजलाम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि सुजलाम कैंपेन जो है 2.0 ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस है आप लोगों के पास दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पर आपके पास चार मिनिस्ट्रीज के नाम है दोस्तों और यहाँ पर आपको बताना है कि ये कैंपेन कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च द सुजलाम 2.0 कैंपेन फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, दैट इज ऑन 22nd of March 2022। इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, इसकी थीम, है ना। तो इसकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और थीम है इसकी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आप कनेक्ट कर सकते हो बात से इसको कि इनविजिबल पानी को विजिबल करने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। तो हमारा थीम क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मैनेज ग्रे वाटर थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन अंडर द कैंपेन। वी प्लान टू मोबिलाइज कम्युनिटीज, आवर इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी टू अंडरटेक ग्रे वाटर मैनेजमेंट, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इन द कंट्री इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्रोग्राम टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी स्टेट असेंबली ने पहली है इंडिया में जिसने पूरी तरीके से विधानसभा को बेसिकली ई विधानसभा में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। पेपरलेस पूरे वहां पे वर्क्स होंगे अब। तो यहाँ पर ऑप्शंस है आप लोग के पास, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पर मिजोरम दो बार हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसकी बात करते हैं, नागालैंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या है कि नागालैंड ऐसा दोस्तों स्टेट असेंबली बनी है कंट्री की पहली बार जिसने सारी चीजें पेपरलेस कर दी है, ठीक है। द नागालैंड असेंबली सेक्रेटरीट हैज अटैच अ टेबल और ई बुक ऑन ईच टेबल इन द 60 मेंबर्स असेंबली एमिड ऑनगोइंग बजट सेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, टेबल में एक ई बुक अटैच होगी, ठीक है। ई बुक अटैच होगी और 60 मेंबर्स के टेबल्स पर ये ई बुक अटैच कर दी गई है, ठीक है। नीवा इज अ वर्क फ्लो सिस्टम डिप्लॉयड बाय NIC क्लाउड मेघराज विच हेल्प्स द चेयर ऑन हाउस टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्मूथ एंड कंडक्टिवली लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑन हाउस इन द पेपरलेस मैनर। तो बेसिकली सिंपल बात, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको, सिंपल बात यही है कि पहली दफा हमारे कंट्री में जिस असेंबली ने पेपरलेस पूरा बना दिया है अपनी असेंबली को, तो विधानसभा को, तो दोस्तों ये आपका कौन है, नागालैंड है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली दफा कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द बेटर सॉइल हेल्थ, मतलब जो मिट्टी है उसका जो सॉइल है उसकी हेल्थ, मतलब उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, डिग्रेड नहीं हो, इसलिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का इंट्रोड्यूस अपने देश में दोस्तों किया गया है, ठीक है। कौन सा स्टेट है बताना है आपको, ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका केरला, राइट। पूरी बात करेंगे दोस्तों, केरला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ,
For this, the state government has aside rupees 6 crores in 22-23 budget. In the phase, carbon neutral farming will be implemented in 13 farms under the agriculture department and tribal areas, and steps are on the convert to state seed farm as Aluwa of carbon natural farm. In the second phase, model carbon natural farms will be developed 140 assembly constituencies, right? So, सबसे पहली बात, कौन से स्टेट ने, केरला ने क्या इंट्रोड्यूस किया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को, ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉइल का क्वालिटी को क्या करना दोस्तों, मेंटेन करना, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी बेटर सॉइल हेल्थ के लिए यहाँ पर इसे किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रुपया दिया है, टोटल फंड आउटले बजट में 6 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नरसिंगा पेटिनम गस्वरम of which state has recently received geographical indication tag? Kerala, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu. Here the correct option will be Tamil Nadu, right? देखिए पढ़िए यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों basically बहुत बड़ा नाम है ये, नरसिंगा पेटियम गर्स्वरम, जिसको GI tag मिला है, ठीक है, अच्छा, it got geographical indication under musical instrument of class 15, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो हैंडमेड वोकल है ना, इसे को ही ये बोलते हैं, ठीक है, ये विलेज में एक यूनिक फीचर प्रोसेस है, अनलाइक अदर मेड वंस, बेसिकली हाथ से बनाया गया, हैंडमेड है ये पूरा, इसलिए इसको GI टैग मिला है दोस्तों तमिलनाडु का। ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक चीज है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को इस पर क्वेश्चन मिल सकता है, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ सकता है कि कौन से स्टेट का यहाँ पर GI टैग इसे मिला है, या फिर इसका नाम पूछ सकता है, तो दोनों ही चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज मैनेज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कोटेक एक्सिस अक्वायर 7.84 स्टेक इन ONDC, है ना, पूरी बात करेंगे दोस्तों, कोटेक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक हैज अक्वायर्ड 7.84% स्टेक इन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट, बिफोर दिस SBI एंड PNB ऑल्सो अक्वायर्ड द स्टेक इन ONDC। ONDC वॉज अ इनकॉर्पोरेट इन इंडिया ऑन December 30, 2021, इट एम्स for creating open public digital infrastructure to develop, transform and India digital commerce ecosystem for both goods and services. Now, सबसे पहले ये ONDC है क्या दोस्तों? Basically एक online platform है, या फिर आप ये बोल लो कि भारत को digital की तरफ move करने के लिए ये एक mode है, ठीक है, जिस तरीके से आजकल अगर आप फोन की रिचार्ज कराते हो तो आजकल कोई शॉप में नहीं जाता है, मेरे हिसाब से बेसिकली 95% पॉपुलेशन शॉप में जाकर रिचार्ज नहीं करवाती, गूगल पे है, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, फोन पे है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज भी, गुड्स एंड सर्विसेज का जो इको सिस्टम है, जैसे अमेजन हुआ है और फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्नैपडील हुआ, जो भी हुआ, इन सबको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ट्रांजेक्शन है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है, उस कंट्रोलर ONDC, राइट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज बीन मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। SBI PNB का स्टेक ऑलरेडी ONDC में था, और अब किसका हो चुका है, कोटक महिंद्रा, और आपका एक्सिस बैंक का भी स्टेक हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी पुष्कर सिंह धामी, यू कैन सी हिज फोटो ओवर हियर, राइट। पुष्कर सिंह धामी ऑफ BJP took oath as a chief minister of Uttarakhand for the second term on March 23. The swearing in ceremony was held at a parade ground in Dehradun, which was also attended by Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, Rajnath Singh and Nitin Gadkari, among others. Pushkar Singh Dhami was appointed as a chief minister for the first time in 2021, becoming the youngest chief minister of Uttarakhand at the age of 45. The 2022 Uttarakhand Legislative Assembly elections were held at 70 seats with BJP won 47 seats, ठीक है, तो यहाँ पर मेजोरिटी विनिंग हुई है दोस्तों, है ना, तो ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी? ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी रिचा मिश्रा। नाउ यू कैन सी, वी कैन सी द होल थिंग,
book titled Unfilled Barrels, India's Oil Story, authored by Richa Mishra, will be released on March 28, 2022. Richa Mishra is a journalist with a Hindu business line. The book highlights the key role played by Keshav Dev Malia, who was a petrol minister in 1970s with a degree in oil technology, and the emergence of the other stakeholders from public sector enterprise, including ONGC also, Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited and Crane Energy. Like, ठीक है, तो ये private players के साथ बहुत ज़्यादा fiercely competitive में थे, ठीक है, ONGC के साथ दोस्तों. तो ये एक तरीके की book लिखी गई है रिचा मिश्रा के, मिश्रा जी के द्वारा, कि किस तरीके से हमारे इंडिया की ऑयल स्टोरी क्या है, ठीक है, मतलब तेल की बात, यहाँ पर ऑयल की बात, कच्चा तेल है ना. तो ये बुक अगर आप लोग को पढ़नी है तो ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाली है दोस्तों, है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. शाहबुद्दीन अहमद, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन. करेक्ट विल बी बांग्लादेश. यहाँ पर दोस्तों और भी चलिए, डिमाइस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. हर बार मैंने आप लोग को बोला है इंटरनेशनल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड चीफ जस्टिस शाहबुद्दीन अहमद पास्ड अवे, ही वाज 92 इयर्स ऑफ एज, राइट. ही सर्व्ड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1996 टू 2001. अपार्ट फ्रॉम दिस ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1990 टू 1995. इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022. Options are there on your screen. Correct will be invest to end TB, save lives, right? So basically tuberculosis दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है 24 मार्च को हर साल. थीम यहाँ पर रहेगी invest to end TB, save lives, ठीक है. बहुत ही basically इस दिन को मनाया जाता है कि पब्लिक में अवेयरनेस फैला सके कि ग्लोबल एपिडेमिक जो बीमारी है और उसको एफर्ट किस तरीके से हम लोग उसको एलिमिनेट करने के लिए एफर्ट लेते हैं, उस दिन के लिए इस दिवस को मनाया जाता है. इट वॉज ऑन दिस डे ऑफ 1882 व्हेन डॉक्टर रॉबर्ट कोच अनाउंस दैट ही हैड डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम दैट कॉजेज टीबी, विच ओपन द वे टूवर्ड्स डायग्नोसिस एंड क्यूरिंग द डिजीज, राइट. तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. थीम दी गई है तो थीम आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. When is International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims Observed? Options are there on your screen. Correct will be March 24. पूरी बात पढ़ेंगे दोस्तों. United Nations has recognized March 24 to be observed as an International Day of Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims every year. इस दिन को मनाया जाता है to pay tribute to those who have devoted their lives and lost their lives in the struggle to promote the human or to protect human rights for all, ठीक है. The day proclaimed by the United Nations in December 2010 to say no to all forms of violence, injustice and oppression against humanity, ठीक है. तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता था. मेन एम क्या था कि जो आपके ह्यूमन राइट्स है इसका वायलेशन ना हो सके, ठीक है, इसका वायलेशन ना हो सके. और किसी भी तरीके से जितने भी डिवोटीज थे उस टाइम जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस स्ट्रगल में कि इस दिवस को बचाया जा सके, इस ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके, उनकी याद में इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है 24 मार्च को हर साल. तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों. अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.